हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में देखेंगे एनटीए व्यास मॉक टेस्ट नंबर 79 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायो, देन केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक video.com से आप ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद अगर वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन एचडी क्वालिटी में चलेगा। एनटीए व्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और सारे पीडीएफ जो हैं इस टेस्ट के जो पीडीएफ हैं आपको नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विथ आंसर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ बायो का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड, प्लेएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। आंसर विल बी सी, कार्टिलेज। द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू द कार्टिलेज दैट इज सॉलिड, प्लेएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स व्हिच प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजनस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज रिच इन प्रोटीओग्लाइकन एंड इलास्टिन फाइबर्स। विच ग्रीन एल्गी सोज ओनली ऊ गेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर विल बी वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज कॉलोनियल ग्रीन एल्गी एंड सोज ऊ गेमस टाइप रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाइल क्लेमाइडोमोना सोज ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इलोथ्रिक्स सोज आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पायरोगारा सोज कंजुगेशन। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ फिल करके रीड कर लेते हैं। द ब्राउन एल्गी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड्स। आंसर विल बी डी। द ब्राउन एल्गी मेनली प्रेजेंट इन सी वाटर, मेरेन वाटर, हैविंग क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूगोजैंथिन। ब्राउन शेड्स ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल फ्यूगोजैंथिन व्हिच इज अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड। All of the following structure in a cockroach has jointed segmental or filamentous structure except. Answer will be A, anal style. In male cockroach of a pair of short sensitive unjointed and thread like structure called anal style is present. This structure helps in the process of copulation. Antenna, anal cerci and walking legs are all jointed segmental or filamentous structures. A tap root is always. Answer will be A, positively geotropic and positively hydrotropic. Tap root always grow towards the soil and bends towards the source of water. यहाँ भी fill in the blanks हो तो fill करके read कर लेते हैं। The structure which holds the leaf blades and help in flutter in wind known as answer B, petiole. The petiole is a long, thin, flexible structure that holds leaf blades and flutter in wind. Sometimes petiole becomes tendril and leaf like. A stipule is small leaf like appendage to a leaf, typically borne in pairs at the base of the leaf stalk. Lamina is the leaf blade. The swollen leaf base is known as pulvinus. Which of the following is not a part of brain stem of human brain? Answer D, cerebellum. The brain stem of human brain consists of mainly three regions, namely midbrain, pons and medulla oblongata. Hypothalamus may or may not be included under the brain stem. Cerebellum is not the part of the brain stem. यहाँ पे fill in the blanks है, तो fill करके read कर लेते हैं। In silk cotton, the leaflets are attached at a common point that is at the tip of petiole. Answer will be A. Types of leaf. There may be two types. A, simple leaf. If the lamina is intact or if incised, the incisions should not reach the midrib. Example, neem, pipal. B, compound leaf. If the incisions reach the midrib and dividing the lamina into a number of leaflets, it may be first pinnately compound leaf. Leaflets are arranged on a common axis. Rachis, example, clematis. Second, palmately compound leaf. Leaflets are attached to a common point that is tip of petiole. Example, silk cotton. Read the following statements carefully. First, urge for eating and drinking as well as body temperature is controlled by the hypothalamus. Second,
द लिम्बिक सिस्टम अलोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड एक्साइटमेंट. थर्ड द प्रेजेंस ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऑन द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. एंड फोर्थ सेरिबेलम हैज अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सर्फेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन्स. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव इज आर करेक्ट. आंसर विल बी सी, टू स्टेटमेंट्स. लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एक्साइटमेंट एंड इमोटिवेशन. द प्रेजेंस ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऑन डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. द सीड ऑफ पाइनस इज, आंसर विल बी सी, एडेक्सियल एंड एंडोस्पर्मिक. सीड ऑफ पाइनस इज एंडोस्पर्मिक. पेरियोस्पर्मिक डिप्लॉयड टू एन. द विंग ऑफ सीड इज थीन मेम्ब्रेनस डिप्लॉयड टू एक्स एंड डेवलप्स ज्वाइंटली फ्रॉम बेसल अपर सरफेस. एडेक्सियल ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल एंड आउटर लेयर ऑफ इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रेड मसल फाइबर. आंसर विल बी सी, इट हैज ऑल्सो हाई अमाउंट ऑफ साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेड मसल फाइबर्स आर एरोबिक मसल फाइबर्स विथ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन. दीज मसल फाइबर्स हैज लो अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द इलोंगेटेड टी और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स आर. आंसर विल बी ए, ट्रैकिड्स. जाइलम इज मेड ऑफ फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन विच ट्रैकिड्स आर ऑल्डेस्ट इलोंगेटेड विथ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स. ट्रैकिड्स आर द मेन जाइलम एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम एलिमेंट्स इन द जिम्नोस्पर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन पजेज मैक्सिमम टाइप ऑफ सिनेवियल ज्वाइंट. आंसर विल बी ह्यूमन हैंड. द ह्यूमन हैंड हैज मैक्सिमम टाइप्स ऑफ सिनेवियल ज्वाइंट्स सच एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स बिटवीन द हेड एंड ह्यूमरस. द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला हिंज ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना बोन एज इन एल्बो. ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल बोन एज इन रिस्ट. सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. और जितने भी एग्जाम्पल और उसके ज्वाइंट है उसके सारे ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. वो आप ट्रिक याद रखेंगे तो हमेशा, वो ट्रिक अगर आप देख लेंगे तो हमेशा याद रहेगा. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच अमॉन्ग द स्ट्रक्चर हैज एन इलोंगेटेड अनब्रांच पॉइंटेड एंड नीडल लाइक एपिसेज. आंसर विल बी फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम फाइबर्स आर द डेड अनब्रांच स्ट्रक्चर्स विथ नीडल लाइक एपिसेज. द सेल वॉल इज क्वाइट थिक विदाउट प्रोटोप्लाज्म. दे आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली. इन सम प्रोकैरियोट्स सम मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच कंटेन पिगमेंट्स नोन एज. आंसर विल बी सी, क्रोमेटोफोर. इन ब्लू ग्रीन एल्गी सम मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स. दीज पिगमेंट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. मीजोजोम्स आर formed by extension of plasma membrane into the cytoplasm and help in the many functions except. Answer will be C, polygium formation में help नहीं करते हैं. बाकी A, B, D जो है cell wall formation helps in DNA replication और secretion process में help करते हैं. Mesosomes helps in cell division and DNA replication, but polygium is a structure that is formed when one mRNA gets attached with many ribosomes. These polygomes are formed during protein synthesis and they get attached to the mesosomes. Which of the following endocrine structure synthesizes and secretes releasing and inhibiting hormones to control another endocrine structure? Answer will be A, master gland. The neurosecretory cells of hypothalamus synthesizes and secretes two types of chemicals called releasing and inhibiting hormones to control adrenohypophysis of pituitary gland of human. The factors of hormone reach from hypothalamus to adrenohypophysis through hypophyseal portal system. और
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट, ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल। सेकेंड, ऑल यूकेरियोटिक सेल्स शो कंपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड, सेंट्रियोल्स आर एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। एंड फोर्थ, एनिमल सेल्स कंटेन नो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। आंसर विल बी ए, ओनली फर्स्ट। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स जो है और आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड जनरली नो सेंट्रियोल, वाइल एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल, नो सेंट्रल वैक्यूल एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन नॉट रिलेटेड टू हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आंसर विल बी सी, इट मेंटेन इमरजेंसी सिचुएशंस और 3F कंडीशंस। द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज मेजोडर्मल इन ऑरिजिन। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ फैटी कोलेस्ट्रॉल रिच सेल्स। दिस सेल्स डिस्टिंग्विश द कॉर्टेक्स इंटू द 3 जोन्स रीजन्स। फर्स्ट, जोना ग्लोमेरुलेशा। सेकेंड, जोना फैसिकुलेटा। जोना रेटिकुलरिस, ओके, जोना ग्लोमेरुलेस। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, 15% ऑफ द ग्लैंड, विच कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉलीहेड्रल सेल्स। इट सिक्रेट्स मिनरोकोर्टिकोइड्स, एग्जाम्पल एल्डोस्ट्रॉन। मिनरोकोर्टिकोइड्स एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, जोना फैसिकुलेटा। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, 50% ऑफ द ग्लैंड, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स। दिस पार्ट सिक्रेट्स ग्लूकोकोर्टिकोइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम। थर्ड, जोना रेटिकुलरिस। इट इज द इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, 7% ऑफ द ग्लैंड, इन विच द पैरेलल सेल कॉर्ड्स ऑफ द जोना फैसिकुलेटा ब्रांच टू फॉर्म अ लूज एनास्टोमोसिंग नेटवर्क। इट सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स एड्रिनल मेडुलरी एड्रिनल नेलिन हार्मोन्स मेंटेन इमरजेंसी और 3F कंडीशंस। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आंसर विल बी सी, टर्शरी स्ट्रक्चर। इन टर्शरी स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ट्विस्टेड एंड फोल्डेड टू प्रोड्यूस स्टेबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच मे बी मेंटेन बाई 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन अ लार्ज पोर्शन लाइक हीमोग्लोबिन और इन द केस ऑफ एन इंजाइम द मॉलिक्यूल अंडरगोज फर्दर फोल्डिंग एंड क्वालिंग टू अटेन फंक्शनल कॉन्फॉर्मेशन एंड इट एंड इज टर्म्ड एज द टर्शरी स्ट्रक्चर। द क्वाइल्स एंड फोल्ड्स ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर सो अरेंज्ड एज टू हाइड नॉन पोलर एमिनो एसिड साइड चेन्स इन साइड एंड एक्सपोज द पोलर साइड चेन्स एंड इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इज एप्लीकेबल इन अ वोमेन हु कैन नॉट ओव्यूलेट रेगुलरली बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। आंसर विल बी सी, जिफ्ट। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इन इज एप्लीकेबल इन अ वोमेन हु कैन नॉट ओव्यूलेट रेगुलरली टू प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। जिफ्ट एंड ICSI बोथ इन्वॉल्व इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड द वोमेन बॉडी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। आंसर विल बी बी, इट कंटेन 4 नॉन आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स। एडल्ट हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन विच बोथ अल्फा एंड बोथ बीटा चेन्स आर आइडेंटिकल। आयरन इज इन अ फेरस फॉर्म। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए। फर्स्ट, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट चेन। सेकेंड, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल। फर्स्ट सेकेंड दोनों सही हैं। थर्ड यहाँ पे है, द नाइट्रोजन बेसिज आर पैरेलल टू द बैकबोन, तो ये हमारा गलत होगा। फोर्थ यहाँ पे, द बैकबोन कंटेंस अ हाइड्रोजन बोन, तो ये भी हमारा गलत होगा। थर्ड एंड फोर्थ आर
इनकरेक्ट। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इज एंटी पैरेलल इन नेचर। द नाइट्रोजन बेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड, आंसर विल बी ए एमटीपी। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नेचुरली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड अदर रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज इश्यूज विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कॉल्ड मिसकैरेज और नेचुरल अबॉर्शन। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाई विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सेल कंस्टिट्यूएंट्स एंड फाइनली डिवाइड्स इन टू टू सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, आंसर विल बी जी नॉट। समटाइम्स सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल साइकिल एंड इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जी नॉट। इन दिस क्विसेंट स्टेज सेल्स गेट डिफ्रेंशिएटेड आर मेटाबॉलिकली एक्टिव फ्रॉम द क्विसेंट स्टेज सेल कैन अगेन इंटर इन टू सेल साइकिल। द गिवेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू गैंथोस्टोमाटा एंड बियर लिम्स आर, आंसर विल बी सी हाइला, केलोन और कॉर्वस। गैंथोस्टोमाटा एंड बियर लिम्स। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ जॉ, वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ए एगेंथा एंड बी गैंथोस्टोमाटा। एगेंथा मीन्स जॉलेस वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग साइक्लोस्टोमाटा एंड बी गैंथोस्टोमाटा विथ जॉज, एंड विच बियर्स फिन्स आर पाइसेज ट्रू फिशेज, एंड विच बियर्स लिम्स इंक्लूड क्लास एम्फीविया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमेलिया। हाइला इज अ फ्रॉग एंड बिलोंग्स टू क्लास एम्फीविया। चेलोन इज अ टर्टल एंड बिलोंग्स टू रेप्टिलिया। कॉर्वस इज अ क्रो एंड बिलोंग्स टू एप्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल रीड कर लेते हैं। ऑर्डर इज अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, आंसर विल बी डी ऑर्डर। ऑर्डर एंड एबो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, फैमिली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, जीनस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। रीड द फॉलोइंग मैच अबाउट फाइलम एंड इट्स वन कैरेक्टर। फर्स्ट एनिलिडा, फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम, साइजोसिलोम प्रेजेंट इन देम। सेकेंड अर्थोपोडा, ओनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स विथ हीमोशील। थर्ड इकाइनोडर्मेटा, हैव ए एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड स्पाइंस। फोर्थ हेमिकोडेटा, स्मॉल वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स विथ ट्रू नोटोकॉर्ड। हाउ मेनी फ्रॉम द अबव इज आर द करेक्ट मैच, आंसर विल बी डी, ओनली वन जो है वो करेक्ट मैच है। एनलिडा शोज द एविडेंस फॉर द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स। अर्थोपोडा मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स विथ हीमोसील। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनलिडा एंड सम कॉर्डेट्स। इकाइनोडर्मेटा हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल एंड स्पाइंस। हेमिकॉर्डेटा स्मॉल वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स एंड स्टोमोकॉर्ड विच इज नॉट अ ट्रू नोटोकॉर्ड। तो इस तरह से हमारा जो आंसर जो है ओनली वन करेक्ट है, और जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही ओनली करेक्ट है। एनलिडा फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम साइजोसिलोम प्रेजेंट इन देम, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है गलत है। नेक्स्ट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल करके रीड कर लेते हैं। आर्किबैक्टीरिया विफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, आंसर सी। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। सीडोपोडिया, सॉरी सॉरी सीडोपेप्टिडोग्लाइकोन विच इज हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ऑर्गेनिज्म और उसके जो सेल वॉल के कंपोजिशन दिए हुए हैं, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन्स एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। फंजाई काइटिन ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। प्लांट सेलुलोज प्लस हेमोसेलुलोज प्लस पेक्टिन्स प्लस प्रोटीन्स। और एल्गी सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस प्लस मैनन्स प्लस मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। 30, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ आंसर ये होगा, थेरेपसिड्स साइनेपसिड्स एंड वेयर एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स। इचियोसॉरस
वेयर फिश लाइक रेप्टाइल्स विच वेयर इवॉल्व फ्रॉम लैंड रेप्टाइल्स अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो. थेरैपसिड्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स. होमो हैबिलिस वॉज फर्स्ट हु मेड एंड यूज स्टोन टूल्स. वेयर कॉल्ड टूल मेकर्स और स्किलफुल मैन और हैंडीमैन. होमो इरेक्टस वेयर द फर्स्ट मैन टू यूज फायर. दे प्रोबेबली एट मीट. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल रीड कर लेते हैं. साइनो बैक्टेरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन सम स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज हेट्रोसिस्ट. आंसर बी. ये भी जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में. हेट्रोसिस्ट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल फॉर एन टू सक्सेशन व्हाइल एकाइनेट्स ए प्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स आर ए सेक्सुअल स्पोर्स. इन ब्लू और ग्रीन एल्गी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड. यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल रीड कर लेते हैं. एक्स और वाई है तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नेम्ड एज सॉल्टेशन बाय हिगो डिवेरिस. आंसर विल बी डी. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीएनए पैकेजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. आंसर विल बी ए. द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज इन क्रोमैटिन इज पैकेज्ड इन टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड ड्यूरिंग मेटाफेज. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल मेम्ब्रेन. ओके तो ये हमारा गलत होगा. सेल वॉल लैक करते हैं. सेकेंड माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स टू एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स. ओके तो ये भी हमारा जो है इनकरेक्ट होगा. थर्ड माइकोप्लाज्मा सर्वाइव्स ओनली विदाउट ऑक्सीजन. तो ये हमारा सही है. माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वाला एंड इट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल टू एग्जिस्ट. ओके स्मॉलेस्ट सेल. इट कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. साइज में रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रो माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन. ओके तो यहाँ पे कह रहा है वन एंड सेकेंड जो है इनकरेक्ट है. लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है कि माइकोप्लाज्मा जो है लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं. तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट करेक्ट है. फर्स्ट इनकरेक्ट है. सेकेंड करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताएं आप डिस्कशन बॉक्स में क्या होना चाहिए. ओके सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइटोटिक एनाफेज. आंसर विल बी सी. क्रोमोजोम्स क्लस्टर एट द ऑपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स. ड्यूरिंग टेलोफेज द फॉलोइंग इवेंट्स आर ऑब्जर्व. फर्स्ट क्रोमोजोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स. सेकेंड न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई. थर्ड न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म. ड्यूरिंग एनाफेज द क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोजोम्स स्प्लिट एंड स्टार्ट टू माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल्स. इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमेयर. यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल का रीड कर लेते हैं. बोथ फैसिलिटेट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आर लायबल टू सैचुरेशन रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर एंड इज अंडर हार्मोनल रेगुलेशन एंड मूव्स मल्ली अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड हेंस सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बींग ऑफ बींग हाईली सेलेक्टिव. दे आर लायबल टू सैचुरेट रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर्स एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन. बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेड और नो टेक्स प्लेस ओनली अलोंग अ ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द हार्डी वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम. आंसर विल सी रैंडम मैटिंग. फाइव फैक्टर्स नोन एज नोन टू अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम. दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. इट इज नॉट अफेक्टेड बाई रैंडम मैटिंग एंड लार्ज पॉपुलेशन. यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है. बहुत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स से. तो यहाँ पे फिल का अगर रीड कर लेते हैं. सल्फर इज
प्रेजेंट इन सिस्टीन एंड मिथियोनिन एंड इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स। आंसर विल बी बी। सल्फर इज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड कंपोनेंट ऑफ सिस्टीन मिथियोनिन विटामिन फेरोडोक्सिन एंड सेवरल कोएंजाइम्स। ये जो क्वेश्चन है सल्फर पे बेस्ड, पिछले बहुत सारे मॉक टेस्ट में आ चुका है, रिपीट कर चुका है, तो इसे याद रखें, ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स एब्जॉर्ब्स लाइट एंड प्रिवेंट्स फोटोऑक्सीडेशन एंड क्लोरोफिल। आंसर विल बी सी कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स एंड दे आर नॉट ओनली इनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी फॉर फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो प्रोटेक्शन। दैट इज कैरोटीनॉइड्स प्रिवेंट फोटोऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द नॉन साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। आंसर विल बी बी। इट रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट एनएडीपी प्लस एच प्लस। बाकी जो जो है ए सी और डी रिलेटेड है नॉन साइक्लिक से। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ द फोटो सिस्टम्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाई ईटीएस। द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा लैमिनर लैक्ट पी सेकेंड और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एसेंशियल फॉर इट। फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। फर्स्ट लाइट रिएक्शन, इट इज कंसर्न्ड विद ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिनी इन क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन बाई द एंजाइमेटिक रिएक्शन अलॉन्ग विद सीओ टू सिंथेसाइज द शुगर विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। और इसके जो साइट है वो है स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट। नॉन साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ पीएस फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड एंड बोथ आर प्रेजेंट इन ग्रेनल लैमिली। बोथ स्ट्रोमा लैमिला कंटेन्स ओनली पीएस फर्स्ट फ्रॉम लाइट रिएक्शन। टोटल 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच इज फॉर्मड। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन द एनएडीपी प्लस बट इज साइकल्ड बैक टू The PS first complex through the electron transport chain. List the set of factors from the following which are responsible for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. Answer will be A. High PCO2, low PO2 and low pH. At the level of tissues, low PO2, high PCO2, high H plus concentration or low pH and high temperature are all favorable conditions for shifting the ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट साइड बाई डिक्रीजिंग ऑक्सीजन एफिनिटी एंड देयर फोर कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में रिपीट कर चुका है, तो इसे भी जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे भी फिल द ब्लैंक्स आ जाता है, तो यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स removed as a part of the hydrogen atom to molecular O2 occurs in the mitochondrial inner membrane. Okay, mechanism of ATP production. When the electrons pass from one electron carrier to another from complex 1 to 4 in ETS, they are coupled to ATP synthase complex 5 and thus ATP are synthesized. Molecule oxidized in ETS. नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस का यहाँ पे टेबल है। वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूस करता है 3 एटीपी और वन मॉलिक्यूल ऑफ एफएडीएच 2 करता है 2 एटीपी। रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द एरोबिक प्रोसेस बट इज वाइटल। दैट इज इट एक्ट्स एट द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग एच प्लस फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पे भी हमारा लगातार फिल द ब्लैंक्स आ जाता है, फिल करके रीड कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करना है। तो आफ्टर द सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द क्रेब साइकिल सक्सिनाइल को ए विल प्रोड्यूस एंड इट गोज टू टाइम्स डिहाइड्रेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द थोरैक्सिक चैम्बर इन ह्यूमंस। आंसर जो बी है वो इनकरेक्ट है। इट इज फॉर्म्ड वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड डॉर्सली बाय रिब्स। तो ये हमारा गलत होगा। डॉर्सल जो होते हैं वेंट्रल में होते हैं रिब्स। ओके, इट इज एन एयर टाइट चैम्बर इन विच लंग्स आर सिचुएटेड और इट इज फॉर्म्ड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर
विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, इट इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स एंड लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। ओके, विच ऑफ दीज प्लांट हॉर्मोन्स अलाउज द प्लांट टू विदस्टैंड एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट्स? आंसर विल बी ए, ए बी ए। ए बी ए इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेस हॉर्मोन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस। इट हेल्प्स टू क्लोज द स्टोमाटा एंड हेल्प्स टू विदस्टैंड इन ड्राई कंडीशंस। द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फिकल डिस्चार्ज इज नोन एज? आंसर विल बी ए, डायरिया। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो यहाँ पे फिल रीड कर लेते हैं। द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ द टोबैको स्टेम्स द कैलस प्रोलिफरेटेड ओनली इफ इट कंटेन्स कोकोनट मिल्क इन एडिशन टू ऑक्सीजन। ओके, कोकोनट मिल्क कंटेन्स साइटोकैनिन, बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकैनिन हेल्प्स इन द प्रोलिफरेशन ऑफ कैलस। इफ ऑक्सीजन इज मोर रूट विल व्हाइल साइटोकैनिन इज मोर सूट विल फॉर्म। ओके, if oxygen is more root will be form, more root will be form while cytokinin is more suit will be form. C for suit, C for cytokinin थोड़ा सा सिनोनिम है, भी जो वैसे याद रख सकते हैं, इस तरह का ट्रिक है। और ऑक्सीजन जो है वो रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता ही है। भी जो द फॉलोइंग इज इन करेक्ट मैच अबाउट ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम? आंसर विल बी डी, पोडोसाइट्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फॉर्मस कैप्सूल। ये हमारा जो है इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी सही है। कॉलम ऑफ वर्टिनी, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन द रीनल पिरामिड्स, बी रीनल कॉर्पस्कल्स, बॉमस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, और सी है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, फासा रेक्टा इज एबसेंट और हाईली रिड्यूस्ड। द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द बॉमस कैप्सूल्स कॉल्ड आर कॉल्ड बोडोसाइट्स। दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू अरेंज इन एंड इंट्रीकेट मैनर शो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसिस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्ट्स। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू दीज फाइन पोर्ट्स और स्लिट्स। चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म। इन करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, तो हमारा इन करेक्ट स्टेटमेंट डी है। द टैपेटम ऑल्सो हेल्प्स इन द डेसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन, तो ये हमारा गलत होगा। टैप्टम बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बाकी ए बी सी सही है। स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ अ यंग एंथर इज कंपोज्ड ऑफ होमोजिनस सेल्स। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म हैज अ बाइलोब्ड एंड डायथिकस एंथर, एंड सी इज द एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। ओके, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्स, द इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड द टैपेटम। द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिशंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हार्ट फेल्योर? आंसर विल बी सी, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस। हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। द पॉलन ग्रेन वायबिलिटी इज हाईली वेरिएबल। सेलेक्ट द लिस्ट वायबल पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ चॉइसेस। आंसर विल बी डी, राइस। पॉलन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइटिक स्टेज। राइस पॉलन ग्रेन्स फायबिलिटी इज अप टू 3 मिनट्स वाइल इन लेगुमिनेसी रोजेशिया एंड सोलनेसी इज अप टू मंथ्स। यहाँ पे भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तो यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक कंटेन्स 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स। दीज 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड बाई, आंसर विल बी 7, माइटोटिक डिवीजन। नंबर ऑफ माइटोसिस इक्वल टू नंबर ऑफ डाउटर न्यूक्लियस -1, सो देयर इज 8 न्यूक्लियस, देन नंबर ऑफ माइटोसिस इक्वल टू 8 -1 इक्वल टू 7 माइटोसिस। इट मीन्स टोटल 7 माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ बोथ सेमुलर वाल्व्स। तो हमने पिछले ट्रिक में भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि S4 सेकेंड हार्ट साउंड और S4 सेमुलूनर। तो यहाँ पर फर्ट है सॉरी फर्स्ट हार्ट साउंड है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी यहाँ पे है द ड्यूरेशन बिटवीन द एडिसेंट हार्ट सेकेंड हार्ट साउंड एंड द फर्स्ट हार्ट साउंड इज 0.3 सेकेंड। तो यहाँ ये भी हमारा गलत है। सी यहाँ पे कह रहा है द कार्डियक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो ये हमारा सही होगा। ए एंड बी आर इनकरेक्ट एंड सी इज करेक्ट। आंसर विल बी डी द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स व्हिच अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑफ अ कार्डिक साइकिल। द ड्यूरेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेकेंड हार्ट साउंड डब एंड फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज 0.5 सेकेंड्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट डी एफ सी बिगिन्स विथ डेड इनऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड डी एफ सी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। थर्ड जी एफ सी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज लॉन्गर देन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड फोर्थ यहाँ पे है डी एफ सी एंड जी एफ सी आर कंप्लीटली सेपरेट चेन्स। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो सेकेंड और थर्ड होगा। यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट भी है, थर्ड की जगह पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे डी एफ सी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और जी एफ सी ऑफ एक्वेटिक सिस्टम इज लॉन्गर देन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है डेट्राइटस इज मोर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड लेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। एल्बुमिन हेल्प्स इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन जो है हेल्प टू प्रोवाइड इम्यूनिटी जिसे इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। फाइब्रिनोजेन प्रिवेंट्स ब्लड लॉस जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है तो हमारा जो चारों ऑप्शन जो है वो तीनों ऑप्शन सही है इसलिए आंसर डी होगा ऑल ऑफ दीज। और ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर चुका है पिछले पिछले मॉक टेस्ट में। ठीक है देर आर थ्री मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड। दियर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज जो हमने देख लिया था पहले ही। आगे बढ़ते हैं टाइम सेव करते हैं। यहाँ पे भी हमारा आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो कह रहा है द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। आंसर विल बी सीयर। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सीयर इज इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया। दीज चेंजेज इज ऑर्डरली सिक्वेंशियल एंड पैरेलल विद द चेंजेज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। दीज चेंजेज फाइनली रिजल्ट इन अ कम्युनिटी दैट इज नियरली इन इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट। दिस कम्युनिटी इज टर्म्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन। आंसर विल बी सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इट जनरेट्स सेकेंडरी मैसेंजर्स इनसाइड सेल टू गिव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्योंकि ये हमारा लिपिड हार्मोन नहीं होता, इट जनरेट्स सेकेंडरी ऑक्सीटोसिन। हाँ ठीक है तो ये जो हमारा है वो लिपिड हार्मोन नहीं होता है, स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज केमिकली प्रोटीनियस और पॉलीपेप्टाइड एंड इज अ वाटर सोलूबल हार्मोन। दिस हार्मोन नेवर क्रॉसेस एंड इंटर द टारगेट सेल। दिस हार्मोन बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आउटसाइड द टारगेट सेल एंड जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स टू ब्रिंग फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ड्यूरिंग एन इकोलॉजिकल सक्सेशन मेनी चेंजेज अकर्स। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सक्सेशन। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है सम स्पीसीज कॉलोनाइज एंड सम स्पीसीज डिसअपियर। ओके तो ये हमारा सही है। सेकेंड यहाँ पे है डाइवर्सिटी विल नॉट चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन। तो ये हमारा गलत होगा, डाइवर्सिटी चेंज करता है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है टोटल बायोमास इंक्रीज, सही है। और द स्पीसीज नंबर इंक्रीज, ये भी बिल्कुल सही है।
द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवेन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग सक्सेशन डाइवर्सिटी बायोमास इंक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ऑल द फॉलोइंग आर टाइगर सब स्पीसीज विच हैव रिसेंटली गॉन एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट। आंसर विल बी ए क्वागा। जाबन, बाली और कैप्सियन जो है वो टाइगर की सब स्पीसीज हैं, और जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उसके हमने ट्रिक बना रखा है, उस ट्रिक को देखकर आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्वागा वाज सब स्पीसीज ऑफ प्लेन जेबरा दैट लिव्ड इन साउथ अफ्रीका। इट वाज एक्सटिंक्ट इन लेट 19th सेंचुरी। देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट बिकेम एक्सटिंक्ट लाइक डोडो, स्लेटर सिकाव और थैलासिन इटीसी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर विल बी ए द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस इन पास्ट सेंचुरी। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैड लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू डिलीटरियस चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस, एग्जाम्पल एल नीनो इफेक्ट, दस लीडिंग टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एज वेल एज ऑफ अदर प्लेसेज लाइक द हिमालयन स्नो कैप्स। ओवर मेनी ईयर्स दिस विल रिजल्ट इन अ राइज इन सी लेवल दैट कैन समर्ज मेनी कोस्टल एरियाज। द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग आउट इज अ सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डोडो एक्सटिंक्शन। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ का सी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। डोडो वाज अ स्मॉल बर्ड फाउंड इन मॉरिशस एंड बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एविल क्वार्टेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रीजन्स बिहाइंड मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस दैट इंक्लूड हैबिटेट लॉस, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियन स्पीसीज इन्वेजन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स, आंसर विल बी सी, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ओके, ये भी जो क्वेश्चन था पिछले बार हमने देखा था जिसमें रॉन्ग था, यहाँ पे जो है सही दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। इफ वाटर हैज हाई पीओडी इट मीन्स इट इज हाईली पोल्यूटेड बाई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे भी हमारा फील्ड में ब्लैंक्स आ जाता है, तो होगा बायो मैग्निफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट लाइक मरकरी एट अ सक्सेसिव लेवल। आंसर विल बी बी। बायो मैग्निफिकेशन ऑफ द लोकेशन एट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बिकॉज दे कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड ड्यू टू बायो मैग्निफिकेशन बर्ड्स एक्यूमुलेट अप टू 25 ppm DDT इन दियर बॉडी। इन द फुली ऑर्गेनाइज पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रियो सैक व्हाट इज द रेशियो ऑफ हैप्लोइड डिप्लोइड एंड ट्रिप्लोइड न्यूक्लियाई। आंसर विल सी 6:1:0। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कर चुका है। अ फुली ऑर्गेनाइज पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्ब्रियो सैक इज अ 7-celled 8-nucleated स्ट्रक्चर। द सेल्स ऑफ एग एपरेटस एंड एंटीपोडल आर हैप्लोइड वेयर एज द सेंट्रल सेल इज डिप्लोइड दैट इज कंटेन्स टू पोलर न्यूक्लियाई। ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन दैट इज फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। आंसर विल बी डी, नॉन ऑफ दीज। ऑटोगेमस इनवेरिएबल, कोमेलिना, वायोला और ऑक्जालिस। सम ऑफ द प्लांट सच एज वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्जालिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कि कैजमोगेमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विच एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। क्रिस्टोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू इच अदर। वेन एंथर्स डेंस इन द फ्लावर बर्ड्स पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। दस क्रिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज
देर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। क्रिस्टोकेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। ओके, यानी कि ऑटोगेमस और क्रॉस पोलिनेशन दोनों इसमें होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स कैनॉट बी स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। आंसर विल बी बी डाउन सिंड्रोम्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर टू टाइप्स। ए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लाइक हिमोफीलिया, फिनालकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस ईटीसी, दैट कैन बी स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। और बी यहाँ पे है कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स लाइक जो डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ईटीसी, कैनॉट बी स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। और यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन है और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। द साइज ऑफ द सीड ग्रेन इन अ पी इज अ एग्जाम्पल ऑफ। आंसर विल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है। स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन, इट हैज टू एलील्स, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाई कैपिटल बी, कैपिटल बी होमोजाइगोट्स, एंड देयर फोर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। इन कॉन्ट्रास्ट अ स्मॉल बी स्मॉल बी होमोजाइगोट्स हैव लेसर इफिशियंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड द स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड। हेटरोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड शो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक एंड हैव क्रोमोजोम नंबर डिफरेंट देन फीमेल्स। आंसर विल बी डी बग्स। एक्सओ टाइप, एक्स एक्सओ टाइप। इट इज ऑब्जर्व इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रास होपर्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। हेंस फीमेल शोज होमोगैमेटी एक्स एक्स, वाइल मेल शोज हेट्रोगैमेटी एक्सओ। इट इज क्लियर दैट ऑल एग्स ओफा बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड्स द ऑटोजोम्स, वाइल ओनली 50% ऑफ द स्पर्म्स बियर्स एक्स क्रोमोजोम्स। इन ग्रास होपर एग्स फर्टिलाइज बाई ए प्लस एक्स टाइप स्पर्म बिकम फीमेल्स, वाइल दोज फर्टिलाइज बाई ए प्लस ओ टाइप स्पर्म्स बिकम मेल्स। देयरफॉर स्पर्म डिटर्मिनेशन द सेक्स ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तो यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। आंसर हमारा सी होगा। टेलर एंड हिज कलिग्स प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन विशिया फावा यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमेडीन। एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमेडीन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इन द क्रोमोजोम्स वाज परफॉर्म्ड ऑन विशिया फावा बीन्स बाय टेलर एंड कॉलिग्स इन 1958। द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोजोम्स ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। मैक्लोवाइड, मैकाल्टी एंड एवरी डिटरमाइंड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मिंग इन टू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। एंसर विल बी सी डीएनए। प्रियर टू द वर्क ऑफ ओस्वाल्ड, एवरी, कॉलिंस, मैक्लोवाइड एंड मैकाल्टी द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन गिब्स एक्सपेरिमेंट। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन्स डीएनए एंड आरएनए ईटीसी फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी व्हिच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल्स। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। दे डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन्स एंड आरएनए डाइजेशन एंजाइम्स did not affect transformation, so the transforming material was neither protein nor RNA, but digesting with DNA did inhibit transformation, suggesting DNA caused the transformation. They concluded that DNA is a heredity material. यहाँ पे match the column है, तो यहाँ पे match कर लेते हैं। ये यहाँ पे है non-degenerate codon का होगा यहाँ पे
थर्ड यानी कि UGA एम्बिगुअस कोडोन का होगा, फर्स्ट यानी कि GUG, सी अंबर, अंबर बोलते हैं सेकेंड यानी कि UAG को, और डी है ओकरे, ओकरे बोलते हैं हम UAA को। ओके, नॉन डिजिनेट कोडोन UGG, एम्बिगुअस कोडोन GUG, अंबर बोलते हैं UAG को, इनिशिएशन कोडोन को, ओकरे बोलते हैं UAA को, और ओपल किसे बोलते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। ओके, यहाँ पे फिर अगर बैंक से आता है तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स व्हिच इज यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ओके, जितने भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उसके भी हमने ट्रिक बना रखे हैं, आप बायो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल नीट एनसीईआरटी वालों सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोलस्कस पर प्रीवियस हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। इट एक्ट्स बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस ब्यूटारिक एसिड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एरिएशन टैंक ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आंसर विल बी बी, फ्लॉक्स कंटेन एरोबिक फंगल एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ये जो है इनकरेक्ट है, बाकी ए सी और डी सही है। इन इन दिस टैंक माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, बीओडी विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, और द प्राइमरी फ्लूएंट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। ओके, तो इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपीज, देर आर टू स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। ए प्राइमरी ट्रीटमेंट, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज। प्रोसेस इन्वॉल्व फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड सेडिमेंटेशन। बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज। मैकेनिज्म यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे करते हैं, प्राइमरी फ्लूएंट इज पास्ड इन टू लार्ज एरेशन टैंक्स इन टू इन विच कॉन्स्टेंट एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर इज देयर। देन ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पेशली एरोबिक इज प्रोमोटेड। फ्लॉक्स लार्ज एसेस ऑफ बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ फंगल फिलामेंट्स टू अपियर लाइक अ मेस लाइक नेटवर्क आर फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में कह रहा, फ्लॉक्स कंटेन एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस टू रिड्यूस बीओडी ऑफ H2O। एरोबिक बैक्टीरिया यूजेज ऑक्सीजन टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ओके, और ये जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में भी आ चुके हैं। आगे आता है क्वेश्चन 74 पे, द रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स इन इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर विल बी डी, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ओके, और जो कंगारू रैट होते हैं वो होते हैं कीस्टोन स्पीसीज डेजर्ट के। इन ब्रूड पैरासाइटिज्म, आंसर ए, कुकू बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट नेस्ट। ओके, और ये जो क्वेश्चन है पहले भी आ चुका है, इन अ प्लांट रेड फ्रूट कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट स्मॉल आर एंड टॉलनेस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस स्मॉल टी। इफ अ प्लांट विथ कैपिटल आर कैपिटल टी जीनोटाइप बी क्रॉस्ड विथ अ प्लांट दैट इज स्मॉलर स्मॉल टी स्मॉल टी, देन आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द स्प्रिंग विल बी टॉल विथ रेड फ्रूट्स। ओके, अ प्लांट विथ कैपिटल आर कैपिटल टी जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ अ प्लांट दैट इज होमोजाइगस स्मॉलर स्मॉल टी स्मॉल टी, द F1 जनरेशन विल हैव ऑल ऑफ स्प्रिंग टॉल विथ रेड फ्रूट्स। अ मदर इन अ फैमिली ऑफ फाइव डॉटर्स इज एक्सपेक्टिंग हर सिक्स बेबी, द चांस ऑफ इट्स बींग अ सोन सन इज, आंसर बी सी, 50%। फर्स्ट बेबी हो, सेकेंड बेबी हो, कितना भी बेबी हो, उसका
चांस जो है वो 50% ऑलवेज होगा। ह्यूमंस हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड अ पेयर ऑफ 6 क्रोमोजोम्स विच आर XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स। सो एवरी टाइम द चांसेस ऑफ सन और डॉटर इज 50-50% डिपेंडिंग अपॉन विच सिक्स हॉर्मोन सिक्स क्रोमोजोम इज कंट्रीब्यूटेड बाई द फादर इन स्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेज टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एक्सेप्ट। आंसर विल बी सी होमोगेमी। होमोगेमी मीन्स मैच्योरेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स एट द सेम टाइम्स दिस फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। फॉर ऑटोगेमी प्लांट्स शो सम कंट्रीब्यूशंस लाइक मोनोक्लिनी होमोगेमी क्रिस्टोगेमी एंड बर्ड कंडीशंस। Which of the following method of animal breeding? Superior male of the one breed are mated with superior females of another breed to form progeny hybrid. Answer will be A. Cross breeding. The cross breeding method of animal breeding, superior male of one breed are mated with superior females of another breed. It allows the desirable qualities of two different breeds to be combined. Hisartail is one breed of sheep developed by the method in Punjab by crossing Bikaneri ewes and Merino rams. Which of the following cells of human testes are present in regions outside the seminiferous tubules but in the testicular lobules? Answer will be A. Leydig cells. और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। Each seminiferous tubule is lined on its inner side by two types of cells called spermatogonium, make jump cells and Sertoli cells, nerve cells. Leydig cells are or interstitial cells are present in the region outside the seminiferous tubules of testes. This secret testosterone. Okay, तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं बायो में, फटाफट देखते हैं। Which of the following reproductive structure is divided into cortex and medulla? Answer will be D. ओवरी। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स इन फीमेल। इच ओवरी इज कवर्ड बाई अ थीन एपिथिलियम विच इंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू टू जोन्स, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ओवेरियन कॉर्टेक्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ए द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और पाचुरेशन इंड्यूस्ड बाई कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ऑक्सीटोसिन। बी यहाँ पे है द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ऑल प्राइमेट मैमल्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेन सिस्टम ऑफ द फीटस इंक्लूडिंग जेनाइटल ऑर्गेन्स आर डेवलप्ड बाई द एंड ऑफ 24 वीक्स। एंड डी द सेकेंड मेडो डिविजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज इक्वल अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी। हाउ मेनी फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आंसर विल बी सी। यहाँ पे दो जो है इनकरेक्ट हैं और दो करेक्ट हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ऑल प्राइमेट फीमेल्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन दिस साइकिल एट द एंड मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज अकर्स। इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स अनदर रिप्रोडक्टिव साइकिल कॉल्ड अकर्स कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेन सिस्टम ऑफ द फीटस इंक्लूडिंग जेनिटल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड बाई द एंड ऑफ 12 वीक्स और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3 मंथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बट इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? आंसर विल बी सी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हाईली इन्फेक्शियस मोस्ट डेंजरस एंड नॉन क्यूरेबल डिजीज। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड सिरिंज नीडिल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। हेपेटाइटिस इज मेनली डिजीज और इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल्स हेपेटोसाइट्स। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच अबाउट एन एलर्जी एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। आंसर विल बी सी सेल टी लिम्फोसाइट्स। एलर्जी इन ए इज एन एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन सच एज पॉलन डस्ट एनिमल फॉर ETC प्रेजेंट इन एनवायरमेंट एज आर कॉल्ड एलर्जेंस। द AIGE एंटीबॉडीज आर स्टिमुलेटेड एंड बाइंड विथ मास्ट सेल्स एंड एक्टिवेट देम टू सेक्रेट एलर्जी कॉजिंग केमिकल्स कॉल्ड
हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ओके, ये यहाँ पे कह रहा है स्मैक इज केमिकली डाइएसिटाइड मॉर्फिन व्हिच इज अ व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, तो ये हमारा सही है। बी यहाँ पे कह रहा है क्रैक इज अ कोका अल्कलॉइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट थर थियोब्रोमा कोका कोकोवा एंड इज जुअली स्नोडेड, तो ये हमारा गलत होगा। सी यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि स्मोकिंग एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द लंग, तो ये हमारा सही होगा। डी यहाँ पे कह रहा है द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड लीवर, तो ये हमारा सही होगा। ए सी डी सही है और बी जो है गलत है। कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। इट इंटरफेयर्स विद द डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरविया और यूफोरविया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आंसर यू विल सी एल्गी एल्गी क्लोरेला यूज्ड इन कफ सिरप्स। ओके, ये हमारा जो है इनकरेक्ट है। बाकी ए और ए बी और डी जो सही है। एल्गी ग्लेडियम यूज है प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली। एल्गी स्पायरुलिना यूज एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स और एल्गी ब्राउन एल्गी यूज बाय इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, स्पायरुलिना जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन यूज करते हैं। ओके, क्लोरेला जो है वो भी क्लोरेला के बारे में कुछ बताया नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एल्गी एज फूड। ओके, क्लोरेला भी जो है वो स्पेस ट्रेवलर्स में लेते हैं। ठीक है, एल्गी एज ए फूड। अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी आर यूज एज फूड एग्जाम्पल पोरफायरा सर्गसम लेमिनेरिया। बी यहाँ पे है यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पायरुला आर रिच इन प्रोटीन एंड ऑल्सो यूज बाई स्पेस ट्रेवलर्स। एंड थर्ड यहाँ पे वाटर होल्डिंग केमिकल्स हाइड्रोक्लोराइड्स एल्जिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेगनिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी आर कमर्शियली यूज हाइड्रोक्लोराइड्स। विच टिश्यू इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू इट्स फेट ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, आंसर विल बी टिश्यू प्राइमरी फ्लोएम फेट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस्ड इन लो अमाउंट। ओके, टिश्यू सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्रोड्यूस इन हाई अमाउंट। कैम्बियल रिम कट ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऑन बोथ साइड सही है। सेकेंडरी फ्लोएम सिंथेसाइज ऑन आउटर साइड, ये भी जो है क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कोरिस्पॉन्ड्स टू, आंसर विल बी डी टर्शियरी प्रोटीन। ओके, तो डायग्राम भी याद रखना बहुत जरूरी है, सारे प्रोटीन सारे डायग्राम के एनसीईआरटी के। मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू। फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आंसर होगा ए यानी कि Fe आयरन। सेकेंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होगा सी यानी सल्फर। थ्री है नाइट्रिफिकेशन का बी यानी कि नाइट्रोसोमोनास और डीनाइट्रिफिकेशन का होगा डी थायोबैसिलस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बायो का। इन विच द फॉलोइंग केस माइस विल रिमेन अलाइव इन ग्रीफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। आंसर विल बी ए हीट किल्ड इस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस में जो है वो लाइव करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी पहले जो है आ चुका है। ठीक है, तो आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का यहाँ हम बस यहाँ जो क्विक रिविजन करेंगे। डिटेल वीडियो के लिए आप जो है आरजी एकेडमी केमिस्ट्री या फिर आरपीएस केपी चौहान केमिस्ट्री या फिर आप जो है बीआईसीएस इंडिया पे देख सकते हैं डिटेल वीडियो। तो हम यहाँ जो है क्वेश्चन और आंसर करेंगे रीड स्पीड में। ओके, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। आंसर बी डी सबसे ज्यादा टू होगा देन वन देन थ्री। 1.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.12 लीटर ऑफ क्लोरीन आर रिएक्टेड। द कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज आंसर बी ए 0.08 लीटर ऑफ H2 एंड 2.24 लीटर ऑफ HCl। ओके, थर्ड यहाँ पे LCl3 फ्यूम्स इन एयर बिकॉज ऑफ, आंसर विल बी ए हाइड्रोलिसिस।
Which of the following, which one has a coordinate bond? Answer will be A, Al2Cl6. Which of the following has aromatic character? Answer will be C, cyclopentadienyl anion. What is true statement with regard to 0.10 mHg H2SO4 solution? Answer will be C, H plus B greater than HSO4 minus. Which change must result in an increase in the average kinetic energy of the molecules of a sample of N2 gas? Answer will be C, the temperature changes from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. The hybridization of central metal ion and the shape of Wilkinson's catalyst is? Answer will be A, DSP2 square planar. The equilibrium constant Kp for a homogeneous gaseous reaction is 10 to power minus 3. The standard gives free energy change delta G naught for the reaction at 27 degrees Celsius using R equal to 2 calorie per Kelvin per mole each. Answer will be D, plus 4.1454 kilocalorie. Neoprene rubber is classified as? Answer will be A, polyhaloolefin. Amongst the following hydroxide, the one which has the lowest value of solute product Ksp at ordinary temperature about 20 degrees Celsius is? Answer will be B, BeOH whole twice. The solubility of hydroxides of group 2 elements increases on moving down the group. BeOH whole twice has minimum solubility in water. The lesser the solubility of the hydroxide, the smaller will be the solubility product. Hence, BeOH whole twice has the lowest solubility product amongst the group 2 hydroxide. During the preparation of colloidal sol by Bradley's arc method, traces of alkali NaOH or Na2CO3 is added to? Answer will be B, stabilize the sol. Next question number 13. The why in the following sequence of the reaction? Answer is जो यहाँ पे NTA के द्वारा जो है वो B है, propane one all. शायद इसमें correction है, answer will be C यहाँ पे होना चाहिए, propane two all. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे जो है description में भी देख सकते हैं, explanation में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे propane two all होगा. और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको करेक्ट लगता है, करेक्शन लगता हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिससे और लोगों को फायदा हो जाए. ठीक है, KO2 इज यूज्ड इन स्पेस कैप्सूल सबमरीन्स एंड ब्रीदिंग मास्क बिकॉज? आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी. द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CrNH3O5 NCS ZnCl4 इज? आंसर विल बी ए, पेंटामाइन आइसोथायोसाइनोटो क्रोमियम थर्ड टेट्राक्लोरो जिंकेट एंड सेकेंड. ओके, HBr reacts fastest with? Answer will be A, 2-methylpropane-2-ol. The solubility of AgI in NaI solution is less than that in pure water because? Answer will be B, of common ion effect. The compound which reacts with both HCl and NaOH is? Answer will be C, ZnO. The halide which is inert to water is? Answer will be D, SF6. 0.85% aqueous solution of NaNO2 is apparently 90% dissociated. The osmotic pressure of solution at 300 Kelvin is? Answer will be A, 4.674 atm. In the spectrochemical series, the magnitude of the crystal field splitting is maximum for which ion? Answer will be D, Cn-. The major product formed on nitration of NN dimethyl alanine with conch H2SO4 HNO3 mixture is? Answer will be A. How many grams of dibasic acid molecular mass 200 should be present in 100 ml of its solution to give dibasic normal strength? Answer will be B, 1 gram. Which of the following compounds would be most ionic in character? Answer will be PbCl2. Consider the following reaction at equilibrium. When the reaction comes to equilibrium, what is the cell voltage? Answer will be D, 0 volt.
फाइंड द इन करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर विल बी बी, पी एच फोर आई इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल सॉल्ट कंटेनिंग द फॉस्फोनियम आयन. इट इज ऑल्सो मोर स्टेबल देन अमोनियम सॉल्ट. रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली. आंसर विल बी सी 2 1. द हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन एंड ब्यूट 2 इन रिस्पेक्टिवली आर ड्यू टू. आंसर विल बी ए, सिग्मा पी एम्प्टी एंड सिग्मा पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डी डीलोकलाइजेशन. द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव. आंसर विल सी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. 2,4-DNP इज ऑब्टेन्ड बाई रिएक्टिंग हाइड्रोजीन हाइड्रेट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. आंसर विल सी, ऑन हीटिंग विथ डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड नेप्थेलिन 1 सल्फोनिक एसिड गिव्स प्रीडोमिनेंटली. आंसर विल बी नेप्थेलिन 2 सल्फोनिक एसिड. कंसिडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस. द रिडक्शन पावर ऑफ द मेटल्स इंक्रीज इन द ऑर्डर. आंसर विल बी बी, सबसे ज्यादा कैल्शियम देन मैग्नीशियम उसके बाद जिंक और सबसे कम होगा निकेल. द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर. आंसर विल बी, सबसे ज्यादा होगा 1 यानी कि K2CO3, उसके बाद थर्ड यानी कि CaCO3, देन सेकेंड सेकेंड MgCO3 और फर्स्ट सबसे लास्ट में होगा यानी कि सबसे ज्यादा फर्स्ट, थर्ड, सबसे कम होगा फोर्थ यानी कि BCO3. Among the carboxylic acids shown below, the ones that exhibit stereoisomerism and also form cyclic anhydrides on heating are. Answer will be first and third. Which of the following statements is correct about the heating, about the heat of combustion? Answer will be C. It is always an exothermic reaction. An organic compound undergoes first order decomposition. The time taken for its decomposition to 1 by 8 and 1 by 10 of its initial concentration are T 1 by 8 and T 1 by 10 respectively. What is the value of T 1 by 8 by T 1 by 10? Answer will be C, 0.9. Aniline can be distinguished from the methyl amine by the by its reaction with. Answer will be first NaNO2 HCl 0.5 degree Celsius, 0 to 5 degree Celsius, and sorry, second alkaline beta naphthol. C2 epimer of D glucose. Answer D mannose. Which of the following alkene on acid catalyzed hydration form 2 methyl propane 2 all? Answer will be A, CH3 hold by C double bond CH2. In which of the following back bonding is possible? Answer will be A, both A and B, BF3 and SIS3 whole thrice N. The slag obtained during the extraction of copper from copper pyrites is composed mainly of. Answer B, FeSiO3. The crystal system of a compound with unit cell dimensions A equal to 0.387, B equal to 0.387 and C equal to 0.504 nanometer, alpha equal to beta equal to 90 degree and gamma equal to 120 degree. Answer will be A, hexagonal. Morphine and heroin, both the narcotic analgesics. Heroin may be obtained from morphine by. Answer will be B, acetylation. Which is incorrect statement for XCF2? Answer will be D, it cannot act as F minus donor. A reagent which reacts differently with HCHO, CH3CHO and COCH3. Answer will be DNH3. Okay, तो ये सारे थे हमारे chemistry questions. Video अच्छा लगे तो please like कर देना और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सारे मॉक टेस्ट के आते रहेंगे और पीडीएफ मिलते रहेंगे. ओके, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1. फिजिक्स का जो डिटेल वीडियो है आप हेल्पिंग हैंड बाई सिद्धार्थ सर या फिर जो है RG अकेडमी पर आप फुल डिटेल वीडियो देख सकते हैं. यहाँ पर हम सिर्फ क्विक रिविजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर और जो है सॉल्यूशन शो कर देंगे. जिस सॉल्यूशन को देखना रहेगा आप पॉज कर देख सकते हैं.
फर्स्ट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है यहाँ पे एल आई एच और एल आई सेवन एंड एल आई सेवन एंड एच ई फोर न्यूक्लियाई आर 5.60 एंड 7.06 मेगाटोन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। आंसर विल डी 17.28 वोल्ट मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ए इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बी इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच ई प्लस आयन इन द सेकेंड ऑर्बिट। फोटोन्स ऑफ द सेम एनर्जी ई आर इंसिडेंट ऑन बोथ ए एंड बी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए इज ट्वाइस दैट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम बी। वैल्यू ऑफ ई इज आंसर विल बी ए 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है नेक्स्ट। अ स्मॉल बॉल बी ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड विथ अ लाइट इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ ब्लॉक ए ऑफ सेम मास एम व्हिच कैन मूव ऑन अ स्मॉल अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर शोन इन द फिगर। द बॉल इज डिस्प्लेस्ड बाय द एंगल थीटा फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड देन रिलीज। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द सिस्टम आफ्टर रिलीज ऑफ बॉल इज आंसर विल बी ए जी एल वन माइनस कॉस थीटा टू द पावर 1/2। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कर चुका है। द मासेस ऑफ फाइव बॉल्स एट ए रेस्ट एंड लाइंग एट इक्वल डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर से देखते हैं द मासेस ऑफ फाइव बॉल्स एट रेस्ट एंड लाइंग एट इक्वल इक्वल डिस्टेंसेज इन अ स्ट्रेट लाइन आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विथ रेशियो टू एंड दियर कोफिशियंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एच 2/3। इफ द फर्स्ट बॉल इज स्टार्टेड टुवर्ड्स द सेकेंड विथ वेलोसिटी यू देन द वेलोसिटी कम्युनिकेटेड टू फिफ्थ बॉल इज आंसर विल बी डी 5/9 टू द पावर 4 यू। A simple pendulum is oscillating with an angular amplitude of 90 degree. If the direction of resultant acceleration of the bob is horizontal at a point, then angle made by the string with vertical is answer will be d cos inverse 1/√3. Two particles A and B separated by a distance 2r are moving counterclockwise along the same circular path of radius r each with uniform speed v at the time t equal to 0. A is given a tangential acceleration of magnitude a equal to 32 v square by 25 pi r in the same direction of the initial velocity. Then which of the following is correct? Answer will be the angle covered by a is 9 pi by 4. Two bulbs when connected in parallel to a source take 100 watt each. The total power consumed when they are connected in series with the same source is. Answer will be B, 50 watt. In the given circuit, the cells have zero internal resistance. The currents in amperes passing through resistance R1 and R2 respectively are. Answer will be C, 0.5 and 0. The variation of induced EMF E with time t in a coil if a salt bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is best represented as. Answer will be B. Next, for an ideal step down transformer, the quantity which is constant for both the coils is. Answer will be D, power in the coils. Two small identical spheres having charges plus 10 microcoulomb and minus 90 microcoulomb attract each other with a force of F newton. If they are kept in contact and then separated by the same distance, the new force between them is answer will be C, 16 F/9. The sketch below shows cross section of the equipotential surface between two charged conductors that are shown in solid black. Some points on the equipotential surface near the conductors are marked as A, B, and C. The arrangement lies in the air. The surface density of the plate is equal to answer will be A, 8.85 × 10 coulomb per meter square. Two bodies of mass age 2 kg and 8 kg are separated by a distance of 9 meter. The point where the resultant gravitational field intensity is 0 is at a distance of answer will be 6,
सी 6 मीटर एंड 8 kg। व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस सो दैट द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर वुड बिकम 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। आंसर विल सी 1/1600 रेडियन पर सेकेंड। अ ब्लैक बॉडी एट 1373 डिग्री सेल्सियस इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेव लेंथ ऑफ 1.78 माइक्रोन्स। द टेम्परेचर ऑफ द मून फॉर विच लेमडा एम इक्वल टू 14 माइक्रोन वुड बी। आंसर विल सी -63.7 डिग्री सेल्सियस। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विथ अ सोर्स एट 500 केल्विन एंड सिंक्स एट 375 केल्विन। इंजन कंज्यूम 600 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर साइकिल। द हीट रिजेक्टेड टू सिंक पर साइकिल इज। आंसर विल बी सी 450 किलो कैलोरी। द प्रेशर पी वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल आर रिलेटेड बाई द इक्वेशन पी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई वी। द वर्क डन बाई द मटेरियल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी नॉट टू 2 T0 इज। आंसर विल बी ए 3 अल्फा T0 स्क्वायर। कंसिडर अ रीजन ऑफ अ स्पेस इन विच कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स ई एंड बी एग्जिस्ट। नाउ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यूब इंटर्स दिस रीजन विथ वेलोसिटी वी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज रिमेन्स अनचेंज देन आंसर विल बी वी इक्वल टू ई क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर। अ करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करेंट। द स्ट्रेट वायर आंसर डी विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। अ मैग्नेट ऑफ मोमेंट 4 A m² इज केप्ट सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 5 N··5 टेस्ला। द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री। आंसर विल बी ए 4 × 10⁻⁴ जूल। अ कार एक्सलेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फ्रॉम सम टाइम फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सलेट्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम एंड टोटल इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी देन द मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द कार इज। आंसर विल बी डी अल्फा बी टी बाई अल्फा प्लस बीटा। टू अ स्टेशनरी मैन रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट हिज बैक एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द वर्टिकल एज ही स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड विथ स्पीड ऑफ 0.5 m/s। ही फाइंड्स दैट रेन फॉल वर्टिकली। द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन इज। आंसर विल बी 1 m/s। A liquid of density rho is coming out of a hose pipe of radius A with horizontal speed V and it hits a mesh. 50% of the liquid passes through the mesh unaffected. 25% loses all its momentum and 25% comes back with the same speed. The resultant pressure on the mesh will be, answer will be C, 3/4 rho V² In the figure shown, all surfaces are smooth. Acceleration of mass 4m when the system is released from rest will be. Answer will be B 4g/9. There is a stream of neutrons with a kinetic energy of 0.037 electron volt. If the half life of neutron is 700 second, what fraction of neutron will decay before they travel a distance of 10 meter? Given mass of neutron equal to 1.675 × 10⁻²⁷ kg. Answer will be A 3.96 × 10⁻⁶. A radioactive element decays by beta emission if the mass of parent and daughter's nuclei are m1 and m2 respectively. Calculate energy liberated during emission. Answer will be A m1 minus m2 minus 2 me × c². A particle is subjected to two simple harmonic motions along x and y directions. According to the equations x equal to 4 sin 100 pi t and y equal to 3 sin
पार्टी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आंसर विल बी बी, मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑन वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ एल इज टाइड टू द सीलिंग, द अदर एंड इज टाइड टू मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, अ मास एम हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर आर ए एंड वाई रिस्पेक्टिवली। इफ द मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड, इट विल ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू, आंसर विल बी 2 पाई इंटू वाई ए प्लस के एल इंटू एम बाई वाई ए के टू द पावर 1/2। गिवेन दैट अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 10,000 एंगस्ट्रॉम हैज एनर्जी इक्वल टू 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5,000 एंगस्ट्रॉम एंड इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल, द सेल द सरफेस करेंट इज 0.4 × 10⁻⁶ एम्पियर एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.36 वोल्ट, देन द वर्क फंक्शन इज, आंसर विल सी 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑर्गन लेजर विच इज यूज इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द इमिटर, द स्टॉपिंग कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज 0.38 वोल्ट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर्म विच द इमिटर इज मेड, आंसर विल बी सी 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज स्प्लिट इंटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, फाइंड द इंक्रीज इन सर्फेस एनर्जी, सर्फेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 जूल पर मीटर स्क्वायर, आंसर विल बी ए 23.4 माइक्रो जूल। मर्क्यूरी इज कंप्लीटली फिल्ड इन अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर, द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट द प्लेस इज 72 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, फाइंड द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द बॉटम टैंक ऑफ द नेट फोर्स ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द साइड वर्टिकल वॉल ऑफ टैंक, आंसर विल बी 832 सेंटीमीटर। अ कन्वेक्स लेंस इज इन कॉन्टेक्ट विथ कॉन्केव लेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ दियर फोकल लेंथ इज 2/3, दियर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट आर दियर इंडिविजुअल फोकल लेंथ, आंसर विल बी डी -15 एंड 10। अ ग्लास प्रिज्म एबीसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इमर्ज इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी, इफ इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट फेस ए सी देन, आंसर विल बी ए साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/9। नेक्स्ट, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज मोमेंट ऑफ इनर्सी आई अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इफ इफ इट इज मेल्टेड इन टू अ डिस्क ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर एंड थिकनेस स्मॉल टी, इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क इज ऑल्सो इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, आंसर विल बी ए 2/√15 आर। अ रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस कैपिटल आर हैज 3 पार्टिकल अटैच टू द रिंग एज शोन इन द फिगर, द सेंटर ऑफ द रिंग हैज अ स्पीड वी नॉट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज स्लिपिंग इज एब्सेंट, आंसर विल बी ए 6 mv0 square। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आंसर विल सी द मेजोरिटी ऑफ कैरियर्स इन एन टाइप सेमी कंडक्टर्स आर ऑल आर होल्स, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी और डी सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ इंटरेजिंग सेमी कंडक्टर्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर, डॉपिंग डॉपिंग प्योर सिलिकॉन विथ ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज गिव पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, एंड डी अ पी एन जंक्शन कैन एक्ट एज सेमी कंडक्टर डायोड। सेलेक्ट द आउटपुट वाई ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन इन फिगर फॉर इनपुट्स ए इक्वल टू 1, b equal to 0, a equal to 1, b equal to 1 and a equal to 0, b equal to 0 respectively. Answer will be d 1, 0, 0. The coefficiency of apparent expansion of a liquid when determined using two different vessels a and b are gamma 1 and gamma 2 respectively. If the coefficient of linear expansion of the vessel a is alpha, the coefficient of linear expansion of vessel b is, answer will be d gamma 1 minus gamma 2/3 plus alpha. The density of a liquid in the CGS system is 0.625 gram per centimeter cube. What is its magnitude
इन एसआई सिस्टम आंसर विल बी डी 6 to 5। इन वाईडीएस इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इज आई नॉट, द रेशियो आई नॉट आई बाई आई नॉट एट पाथ डिस्टेंस लेमडा बाई एट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज क्लोज टू, आंसर विल बी डी 0.85। ओके, चार क्वेश्चन और बचे हुए फिजिक्स के और इस वीडियो के भी, फटाफट देखते हैं। अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ब्लॉक ऑफ ग्लास एट ब्रेवस्टर्स एंगल, इन दैट केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर विल बी डी रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज विथ इंटेंसिटी लेस देन आई नॉट बाई टू। अ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन पाइप ऑफ सेम लेंथ प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन दे आर सेट इन टू वाइब्रेशन टूगेदर इन फंडामेंटल मोड। द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज नाउ हाफ एंड दैट ऑफ क्लोज पाइप इज डबल्ड, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड विल बी, आंसर विल बी ए 7। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 10 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ वाइब्रेटिंग सोनोमीटर स्ट्रिंग, व्हाट मस्ट हैव बीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इफ स्लाइट इंक्रीज इन टेंशन प्रोड्यूसेस फीवर फीवर बीट्स पर सेकेंड देन बिफोर, आंसर विल बी 470 हर्ट्ज। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का है। 1 0.5 kg ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम ए ऑन हॉरिजेंटल ट्रैक विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स अ वेटलेस हॉरिजेंटल स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड फोर्स कॉन्स्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। द पार्ट ए बी ऑफ ट्रैक इज फ्रिक्शन लेस एंड द पार्ट बी सी हैज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एज 0.22 एंड 0.20 रिस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी डी आर 2 मीटर एंड 2.14 रिस्पेक्टिवली, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट कम्प्लीटली, आंसर विल बी सी 4.24 मीटर। ओके, ये सारे थे हमारे फिजिक्स के बारे में क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, जो नए व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे एनटीए सारे मॉक टेस्ट है। और जिन्हें भी एनटीए मॉक टेस्ट सारे पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप दिए हुए गिवन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।